फिरोजाबाद की सिरसागंज पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने 2 अगस्त को हुई सत्येंद्र की हत्या का खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से हत्या में प्रयोग किए जाने वाले हथियार भी बरामद किए हैं। मेरी राखी की डोर कभी हो ना कमजोर, भैया दे दो कलाई बहन आई। मैं जगवीर सिंह, जिला अध्यक्ष ब्लॉक प्रमुख संघ, ब्लॉक प्रमुख खंडौली। मैं रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर रक्षाबंधन और श्री कृष्ण जन्माष्टमी और स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त की सभी अपने जिला आगरा के सम्मानित वासियों को और विधानसभा एदमापुर के वासियों को मैं इस दोनों तीनों महापर्वों की मैं हार्दिक स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं और मैं बधाई देता हूं। हाल में 2 अगस्त को सिरसागंज थाना क्षेत्र में एक सत्येंद्र यादव नामक व्यक्ति की हत्या हुई थी। वो अपने साथी प्रदीप के साथ नगला मान सिंह के पास जा रहा था, जो इसमें जो उसका साथी था प्रदीप, उससे पूछताछ हुई तो उसने कहा कि एक लड़की मुझे बार बार ज्योति शर्मा नाम कह के बुला रही थी, उसी से मिलने के लिए हम अपने साथी सत्येंद्र के साथ आए हुए थे और यहाँ पे बदमाशों ने सत्येंद्र को गोली मार दी। अस्पताल ले जाते समय उसकी मृत्यु हो गई थी। इसमें जब छानबीन किया गया और ज्योति शर्मा जो नंबर जिस नंबर से इसको लगातार फोन आ रहा था उसकी जब पड़ताल की गई तो पता लगा वह एक केके उर्फ राघवेंद्र यादव नामक व्यक्ति इस्तेमाल कर रहा है फोन, और उसने वॉयस चेंजर से सीख लिया था, अपनी खुद की आवाज़ उसने लड़की की के रूप में बना ली थी और वही उसको वहाँ पे उसकी हत्या करने के इरादे से बुलाया था। क्योंकि उनकी एक पुरानी रंजिश थी, कुछ दिन पहले उसके साथ मारपीट हुई थी, उसी का बदला लेने के लिए इसने इस तरह का एक योजना बनाया और उसी योजना के तहत उसने वो हत्या की। हत्या में शामिल दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है। घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल, असला सभी इनसे बरामद किया गया है और इन्होंने पूरा यह खुलासा किया है। फेसबुक पर क्या रोल है, फेसबुक के जरिए कैसे इन्होंने जान पहचान की, किस तरह फंसाया इसको? जिससे इसकी दुश्मनी थी, जो प्रदीप जिसको इसको मारना था उस प्रदीप ने इसके साथ काफी मारपीट की थी, तो उसको उस घटना के बाद झारखंड चला गया था नौकरी के सिलसिले में। फिर इसने किसी तरह से उसका नंबर पता किया, फिर फेसबुक फ्रेंडशिप की उससे, और फिर एक अपनी योजना बनाया वॉइस चेंजर के माध्यम से, अपनी आवाज़ को चेंज करके पूरा अपनी आवाज़ लड़की के रूप में परिवर्तित कर लिया और फिर उसको मिलने के लिए बुलाने के बहाने यह हत्या की। क्या नाम बताया लड़की का? लड़की का नाम बताया कि मैं ज्योति शर्मा नगला मान सिंह की रहने वाली हूँ, मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ, और घटना के दिन भी इसको उसी तरह से फोन करके बुलाया और बार बार इसका लोकेशन लेता रहा कि कहाँ पहुँचे तुम, अब कहाँ जा रहे हो, कितने लोग मोटरसाइकिल पे, और उसमें फिर इसकी हत्या। सर, किस तरह का खुलासा, कितने टीमें लगी और कितने दिन लगे इसमें? हमारी जनपद पुलिस की एसओजी टीम थी, सिरसागंज पुलिस थी और सभी ने मिलके ये बढ़िया खुलासा और बहुत जल्दी से किया है। 2 तारीख की घटना और आज हम 7 तारीख को आपसे बात कर रहे हैं। मेरी राखी की डोर कभी हो ना कमजोर, भैया दे दो कलाई बहन आई। मैं जेपी यादव, समाज सेवी, आप सभी को रक्षाबंधन, जन्माष्टमी और 15 अगस्त के पावन अवसर पर सभी देशवासियों को हार्दिक बधाई व अभिनंदन करता हूँ। त्यौहार को अपने परिवार के साथ भी मनाएं, लॉकडाउन का पालन करें, परिवार के लिए कोरोना से सुरक्षा जरूरी है। जय श्री राम, जय श्री राम। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो खबर एक्सपर्ट पेज को लाइक करें और सीफर्स करें। अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो खबर एक्सपर्ट चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें।